हेलो स्टूडेंट, उस दिन हमने चैप्टर नंबर 3 यहाँ तक रीड किया था और मैंने आपको घर से टिक टॉक करेक्ट आंसर सॉल्व करने के लिए दिए थे। आज मैंने आप उसके आंसर बताती हूँ। द गेम्स डैट वी प्ले इनसाइड आवर हाउस आर कॉल्ड इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। आंसर इज इंडोर गेम्स। द गेम्स डैट वी प्ले आउटसाइड आवर हाउस आर कॉल्ड इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। आंसर आउटडोर गेम्स। प्लेइंग गेम्स मेक अस सिक एंड हेल्थी। जो गेम्स हैं हमें बीमार करती हैं या हमारी हेल्थ को अच्छा रखती हैं। आंसर इज हेल्थी। हेल्थ में अच्छा रखती है हमारी। नेक्स्ट है केयर ऑफ पेट्स। इसका मीनिंग है कि हमें डॉग्स की कैसे केयर करनी चाहिए। आई हैव ए पेट डॉग कॉल्ड जैकी। पलक कहती है कि मेरे पास एक पेट डॉग है जिसका नाम उसने क्या रखा है, जैकी। ही लिव्स विद अस इन आवर होम। वो मेरे ही घर में रहता है। ही इज ए मेम्बर ऑफ आवर फैमिली। वो मेरी एक फैमिली का पार्ट है। आई टेक केयर ऑफ जैकी। मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ, उसका काफ़ी ध्यान रखती हूँ। आई गिव इट हेल्थी फूड एंड क्लीन वाटर। मैं उसे खाने के लिए अच्छा फूड और पीने के लिए साफ पानी देती हूँ। आई लव टू प्ले विद जैकी। मुझे अपने पेट डॉग जैकी के साथ खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। ही टेक टू द वेट वेन इट इज सिक। जब वो बीमार होता है तो मैं उसकी और भी ज़्यादा केयर टेकर करती हूँ। आगे केयर ऑफ स्पेशल पीपल। केयर ऑफ स्पेशल पीपल किसे कहते हैं? आगे उन्होंने बताया केयर ऑफ स्पेशल पीपल क्या होते हैं। देर आर सम पीपल हु कैन नॉट सी हेयर एंड स्पीक। कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि ना तो सुन ही पाते हैं और ना ही देख पाते हैं और ना ही बोल सकते हैं। देयर सेंस ऑर्गन डू नॉट वर्क प्रॉपरली। जो उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। इट सम पीपल द एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक हैंड्स और लेग्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। कुछ पीपल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं हैंड और लेग्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, जो उनका जो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। दीज पीपल आर कॉल्ड स्पेशल पीपल। ऐसे पीपल होते हैं जो स्पेशल होते हैं। ओल्ड एंड सिक पीपल आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ थिंगलेस। वी शुड स्पेंड टाइम विद देम। ओल्ड पीपल और सिक पीपल। ओल्ड जो हमारे पीपल होते हैं एंड सिक पीपल जो बीमार पीपल होते हैं, हमें उनकी टेक केयर करनी चाहिए। उनकी उनके साथ सब टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ बातें करनी चाहिए ताजो उन्हें अच्छा फील हो सके। नेक्स्ट है वी शुड केयर फॉर दीज पीपल एंड हेल्प देम। लास्ट में ये बताया गया है कि हमें हर एक की केयर करनी चाहिए, हर एक पीपल की हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी हालत में हो, हमें उनकी टेक केयर और उनकी बात और उनकी केयर करनी चाहिए। बेटा ये हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपने इसके टिक द करेक्ट आंसर सॉल्व करने हैं।